बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल शुक्रवार को अपनी नई फिल्म पोस्टर बॉय से बॉलीवुड में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि बॉबी देओल काफी समय से ब्रेक पर थे, जिस कारण उनके फैंस उन्हें काफी मिस कर रहे थे। हालांकि अब उनके पास पोस्टर बॉयज और यमला पगला दीवाना तीन जैसी दो कॉमेडी फिल्में हैं, जिनसे वो लोगों का मनोरंजन करेंगे। वहीं हाल ही में बॉबी देओल ने अपनी आने वाली फिल्म पोस्टर बॉयज के प्रमोशन पर कई सारे राज खोले। दरअसल जब बॉबी देओल से हमने पूछा कि आप अपनी फिल्म पोस्टर बॉयज लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए पोस्टर गर्ल कौन है, जिसके जवाब में बॉबी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बॉबी देओल ने कहा कि जब मैं बच्चा था तब मैं जया जी का बहुत बड़ा फैन था। उस समय उनका नाम भी ढंग से नहीं ले पाता था, लेकिन उनकी फोटो हमेशा अपने पास रखता था। जब मैं शोले के सेट पर शूटिंग देखने के लिए गया था तो मैं बहुत उत्साहित था, क्योंकि वो वहीं थी और मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। तो सुना आपने, बॉबी को जया बच्चन बहुत पसंद है। वहीं जब बॉबी से पूछा गया कि क्या जया जी को इस बारे में पता है, तो उन्होंने बताया, हाँ उन्हें पता है, मैं उन्हें आंटी बुलाता हूँ क्योंकि वो अभिषेक की माँ है, वो बहुत अच्छी औरत है। बता दें कि बॉबी की पोस्टर बॉयज 8 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म में बॉबी के अलावा उनके भाई सनी देओल भी मुख्य भूमिका में हैं। हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बॉलीवुड की स्पाइसी खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।